अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ नूडल्स आमलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूं, वो भी दो मुख्तलिफ स्टाइल में, एक विद चीज़ और दूसरा विदाउट चीज़। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसे खुद भी खाएं और बच्चों को टिफिन में भी दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नूडल्स आमलेट बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अंडे लेंगे 4 अदद, ओलिव्स लेंगे, हसबे का मुजरेरा चीज़ लेंगे 4 टेबलस्पून, बंद गोभी लेंगे 3 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स लेंगे 1 टेबलस्पून और सब्ज़ मिर्च लेंगे हसबे का। नूडल्स के 2 पैकेट लेकर उन्हें मां मसाला पका लें और पानी बिल्कुल खुश कर लें। मैंने नूडल्स का चिकन फ्लेवर लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले एक बड़े बाउल में चारों अंडों को तोड़ लेंगे। फिर इनको थोड़ा सा फेंट लेंगे। फिर इन अंडों में आधी नूडल्स शामिल कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम नॉर्मल फ्लेम पर एक पैन रखकर उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम अंडों वाला आधा मैदा इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसको फैला देंगे। फिर हम इसके ऊपर बंद गोभी डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और मोज़रेला चीज़ डालेंगे। और सब्ज़ मिर्ची और फिर ओलिव स्प्रिंकल कर देंगे। जब नीचे वाली साइड तैयार हो जाए तो इसे फोल्ड कर दें और अब इसे डिश आउट कर लें। नूडल्स आमलेट विद चीज तैयार है। अब हम बाकी मैदा से सादा नूडल्स आमलेट तैयार करते हैं जो कि विदाउट चीज होगा। जब एक साइड तैयार हो जाए तो पलट दें। फिर इसके ऊपर बचे हुए नूडल्स और बंद गोभी वगैरह डाल दें। एंड पर इसको फोल्ड कर लें और डिश आउट कर दें। बहुत ही मज़ेदार नूडल्स आमलेट तैयार है।